नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग एम में स्वागत है। एक बार फिर से प्यारी से अपडेट के साथ नर्सिंग एम आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएनसी प्रोफाइल अपडेट के बारे में। आरएनसी प्रोफाइल अपडेट कैसे करें? तो साथियों, आरएनसी प्रोफाइल की डेट है वो फिर से बढ़ा दी गई है। आपको पता है कि पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो 15 नवंबर थी, जो बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और नई नई अपडेट आपके लिए लाते रहें। तो वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हमारा भी उत्साह बने रहे और अपने मित्रों के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको जो भी अपडेट हम अपने चैनल पर डालें तो सबसे पहले आपको मिल सकें। तो साथियों, प्रोफाइल अपडेट कैसे करनी है उसके लिए आपको जो आरएनसी की वेबसाइट है www.rnc.in पर जाना है। तो वहाँ पे एक लॉगिन लिखा होगा, एक रजिस्ट्रेशन के दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको अगर पहले से आप लॉगिन है तो लॉगिन पे क्लिक करना है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन दे रखा उस पर क्लिक करें तो वो ओपन करेंगे। तो वहाँ आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो मोबाइल नंबर डालें तो मोबाइल नंबर पे आपके OTP आएगी। OTP आने के बाद वो वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद आपको उसमें डिटेल पूछेंगे, आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर है वो आधार नंबर डालना है और जीमेल आईडी डालनी है। उसके बाद सबमिट कर देना है। तो 3 दिन इस प्रोसेस में लगेंगे, 2-3 दिन लग सकते हैं। उसके बाद फिर से प्रोफाइल ओपन करनी है और आगे की प्रोसेस शुरू करनी है। तो उसमें आपकी सारी डिटेल भरनी है, 10th के बारे में जानकारी देनी है, परसेंटेज कब की थी, क्या सारी डिटेल करनी है, 12th के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और नर्सिंग आपने कब की थी, 3 साल की थी, 3.5 साल की, NM है, GNM है वो डिटेल डालनी है, BSc है वो भरनी है, कब पास आउट किया था और ट्रेनिंग कब से शुरू की थी उसके बारे में जानकारी देनी है। वो करने के बाद अपने जो आधार कार्ड है उसका PDF 1 MB का PDF बना के आपको अपलोड करना है। फिर जो मार्कशीट है 10th की, 12th की, जो GNM है तो GNM की, BSc है तो BSc, NM है तो NM की, सबकी अलग अलग 5 MB का PDF बनाना है और सबका ओरिजिनल PDF बनाना है और वो अपलोड करना है। सर्टिफिकेट आगे पीछे से अपना PDF बना के अपलोड करना है। फिर अपना फ़ोटो और साइन सबमिट कर देना है। तो ये आपकी प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। तो साथियों, विभाग क्यों बार बार प्रोफाइल अपडेट कराने के लिए कह रहा है, इसलिए प्रोफाइल है वो अपडेट करें। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक भी प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी प्रोफाइल अपडेट कर लें। विभाग ने आपको एक और मौका दिया, 30 नवंबर है वो प्रोफाइल अपडेट की तारीख बढ़ा दी गई है। क्या कुछ है जानकारी देने वाले हैं? तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर 10/11 की ये न्यूज़ है। शाम को ये आदेश आया था आरएनसी, ये रजिस्ट्रेशन क्रमांक का ये आदेश है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के ऑनलाइन पोर्टल पर www.rncjaipur.org पर पंजीकृत नर्सेज को स्वयं की प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने हेतु अंतिम तिथि 15/11 से बढ़ाकर 30/11 तक बढ़ जाती है। तो ये 30/11 तारीख है वो 30 नवंबर कर दी गई है। जिन साथियों ने अभी तक भी अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है तो प्रोफाइल अपडेट कर लें। डॉक्टर शशिकांत शर्मा रजिस्टर्ड हैं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर से, उन्होंने आदेश जारी किया है और तारीख है वो बढ़ा दी गई है और नोटिस बोर्ड पे भी चस्पा कर दी गई है। नोटिस बोर्ड पे भी आदेश लगा दिया गया है। सर्वर रूम के निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करें और वेबसाइट पे भी इसको अपलोड कर दिया गया है। तो साथियों, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ भी। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और अदर स्टेट वाले भी अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं तो आपको NOC के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको तुरंत मिल जाएगी। आपका डॉक्यूमेंट रिन्यू कराना है तो वो आपका तुरंत हो जाएगा। कोई मार्कशीट खो जाती है या सर्टिफिकेट खो जाता है तो इसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो प्रोफाइल है वो अपडेट ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो एक और मौका दिया गया है विभाग के द्वारा, क्योंकि विभाग की बहुत अच्छी पहल है।
जिससे आपका डाटा है वो ऑनलाइन सेव हो जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपकी, कब आपने नर्सिंग की थी और ट्रेनिंग कब समाप्त की थी, सारे डाटा, आपके रजिस्टर नंबर, सारे डाटा है वो सेव हो जाएंगे ऑनलाइन प्रोसेस। और आप कहीं भी कभी भी अपना ऑनलाइन डाटा चेक कर सकते हैं। तो प्रोफाइल है वो अपडेट करें, जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों को और उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।